दोस्तों को जो है टाइम देंगे यूनियन निजकारी का जो यार है निजकारी का जो यार है भावलपुर आज खुर्शीद साहब की काल पर पूरे पाकिस्तान में हुकूमत वक्त जो वावडा जैसे कीमती अदारे को निजकारी के खिलाफ निजकारी करना चाहती है उसको सेठों को भेजना चाहती है उसके खिलाफ है। ये हमारा परम एहतजाज है। आज पूरे पाकिस्तान में जो बिजली की कंपनियों को डिस्कोस को और जो पावर स्टेशन है उनको प्राइवेट किया जा रहा है उसके खिलाफ ये परम एहतजाज हमारा चल रहा है। ये पहले हमने 25 को काल दी थी खुर्शीद साहब ने, फिर 3 को दी है। अगर ये हुकूमत वक्त ना मानी तो ये फिर इसके बाद 11 तारीख को भी उन्होंने काल दी है और इसके बाद दमस कलंदर होगा और हम इंशाल्लाह अगर हुकूमत वक्त ने अपना फैसला वापस ना लिया तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। जी मोहम्मद शबीर गुजर, डिविजनल चेयरमैन लोधरा। जनाब आज का हमारा एहतजाज खान खुर्शीद अहमद खान के हदायत पर हुआ है और यह एहतजाज का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। पाकिस्तान के कौमी असासे जिसमें महकमा वापडा भी आता है, अपना गवर्नमेंट जो कि तहरीक इंसाफ हमें इंसाफ की उम्मीद दिलाकर गवर्नमेंट में आए हुए हैं, वो आज यहूदी साजिशों से मिल के इस पाकिस्तान के दफाई महकमे को बेचना चाहते हैं। ये मज़दूर किसी सूरत भी ऐसा नहीं होने देंगे। अगर उनको ऐसा करना हुआ तो उनको मज़दूरों के खून का दरिया अबूर करना पड़ेगा और इंशाल्लाह अगर ये गवर्नमेंट अभी भी एहतजाज से बाज इस अपना निजकारी से बाज ना आई तो ये एहतजाज इस्लामाबाद ईवानों के सामने किया जाएगा और मज़दूर जो कि हमेशा अपनी ताकत के बल बोलते पर लड़ता है वो इन्हें बता देगा कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी का अंजाम क्या है। मोहम्मद अफजल सिपराज, जोनल प्रेस सेक्रेटरी, बावलपुर सर्कल। जिस तरह मेरे मरकजी बाकी कायदीन ने कहा, आज हम यहाँ जनाब खुर्शीद अहमद खान साहब और ग़ुलाम रसूल गुजर साहब के काल पर यहाँ जमा हुए हैं। हम हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर ये जो इन्होंने इदारों की प्राइवेटाइजेशन का या निजकारी का फैसला किया इसको वापस लें, वरना हम जिस तरह मेरे बाकी कायदीन ने फरमाया है हमारी ये तीसरा मुसलसल एहतजाज है। इसके बाद हम अपना रुख इस्लामाबाद की तरफ करेंगे। अगर ये हुकूमत अपने इस बाज ना आई, हम हुकूमत वक्त से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये एक मुनाफा बख्श इदारा है, इन इदारों को खामा खा बेच कर या प्राइवेट करके क्या हासिल होगा। और वापडा एक ऐसा इदारा है जो अपने साथ साथ बाकी इदारों का भी पेट पाल रहा है, जैसे कि PTV हो गया, FBR हो गया या दीगर टैक्सेस मेपको के थ्रू ही कलेक्ट हो रहे हैं, वापडा के थ्रू कलेक्ट हो रहे हैं। ऐसे मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी समय से बालातर है, इस्तलाहात और तसीहात लाई जाएँ। उसके लिए इस हुकूमत हमारे कायदीन के साथ बैठे मुज़ाकरात करे, जो बाकी मामलात हैं उनको कंट्रोल करे। जिस तरह की ये बिजली महंगी की हुई है और महंगाई का एक तूफान बरपा है और महंगाई की वजह से आवाम पिस रही है, बिजली महंगी, पेट्रोल, आटा की, दीगर अशियाए खुर्दानूज, दवाइयाँ महंगी। अब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंसाफ का नारा लगा के आई थी लेकिन यहाँ इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, तो मेरी इनसे दरख्वास्त है इन मज़दूरों के बिहाफ पे, ये इतना सारा जमे गफ़ीर जमा है ये इस बात का सबूत है कि मेहरबानी फरमाएं और अपना ये निजकारी का फैसला फौरी वापस लें। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमसे टकराओगे तो अंजाम कयामत होगा, हमने तोड़ा है गरूर हर दौर के फिरौनों का। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग उनका हशर देख लें, गवर्नमेंट को अपनी ये पॉलिसियां खत्म करनी पड़ेंगी, नहीं तो हम लोग इसी तरह शराब और अपने
ख्याल का इजहार करें। बाबा वकील साहेब सही कर ले, बैनर यहाँ नजर आए लिखा हुआ। जी साथियों,